हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, ये ऑटोमोबाइल का टेस्ट सीरीज है जो कि एमसीक्यू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न से संबंधित है। और इसे जो है आप एक भी प्रश्न ना छोड़ें, क्योंकि जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में एक प्रश्न जो है छोड़ना बहुत ही आप जो है सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं, इसलिए एक प्रश्न भी ना छोड़ें फ्रेंड्स। और ये जो है टेस्ट सीरीज जो है आप जो है लगाएं और हमें बताएं कमेंट में कि इतना से जो है इतना 10 में से आप कितना नंबर लाए हैं, आप हमें बता सकते हैं। ये ऑटोमोबाइल का है फ्रेंड्स। अगर आओ, ये जो सभी जो है प्रिपरेशन कराया हुआ है जो कि मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स शुक्रवार को जो है, अगर ये जो है टेट सीरीज में जो है ज़्यादा लाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होंगे, उनका जो है नाम जो है लिया जाएगा और जो है फ्रेंड्स और हम मोटिवेट होंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि जो है बढ़िया से और भी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो सके। तो फ्रेंड टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज की ओर। क्या है पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लीफ स्प्रिंग आई होल में लगाते हैं, तो आपको बताना है कि रबर ब्रूस लगाते हैं या बोंज ब्रूस लगाते हैं, आयरन ब्रूस लगाते हैं, नॉन ऑफ दीज, तो ये आपको बताना है। और हमें कॉमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी के साथ में इसमें जो है टेस्ट सीरीज लगाकर आप जो है टिक लगाकर जो है आप अच्छे स्कोर करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम 10 में से कितना लाए हैं, तो जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बताना है सभी को कि जो है 10 में 10, तो जो हम जानेंगे कि जो है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रकार नहीं है, तो आपको बताना है कि पैरेलल लिंक सस्पेंशन, वर्टिकल गाइड सस्पेंशन, स्विनिंग आर्म सस्पेंशन या डेड एक्सल सस्पेंशन। तो आप लोग जो है पोस्ट करके आप लोग टिक लगा के जो है हमें कमेंट में बताइए। जो है टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग जो है इसे एक भी क्वेश्चन आप जो है बारीकी तरह से इसमें सेट लगाएं और कमेंट में हमें बताएं। और मैं कोशिश करूँगा कि अब वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको बताने MCQ जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको बताने का जो है विस्तृत रूप से कोशिश करूंगा। ऐसा करूंगा कि एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है ना छूटे। इसके अलावा मैं अन्य टॉपिक से भी टेस्ट लूंगा फ्रेंड्स, वो जो है एक दिन निर्धारित करूंगा कि किस दिन लेना है, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो क्या है आप लगाएं इसमें ठीक, क्लच का प्रयोग होता है। तो पहला क्या है कि गाड़ी के धीमी गति धीमी करने में, कोई गियर बदलने में, ब्रेक लगाते समय उपयुक्त में है, सभी समय। ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग केवल इसमें चीक लगा के हमें कमेंट करें। नेक्स्ट है कि पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है, BDC या TDC या ओवरहेड या नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि SU इलेक्ट्रिक पंप किसके द्वारा चलता है, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा कि इंजन से या बैटरी से, ये इनमें से किसी से नहीं, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर का निम्न कार्य होता है, पेट्रोल को एक महीन तनु से विभाजित करके हवा मिलाकर गैस में बदलना, बी है हवा और पेट्रोल को उचित अनुपात में मिश्रण बनाना, और उपयुक्त में दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कार्बोरेटर को निम्न में से कहाँ लगाते हैं, फ्यूल टैंक में या फ्यूल पंप में या इनलेट मैनिफोल्ड में या इंजेक्टर में, तो ये आपको बताना है। और इसका जो है जो भी आप लोग इसका टिक लगाइएगा और जो भी नंबर लाइएगा वो जो है आप कमेंट हमें तो करिएगा ही, और जो है जब हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करवाएंगे आगे, तो जो है पहले इस सारे प्रश्न को सॉल्व करवा देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है कि जब कार्बोरेटर को उल्टा फिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर, हॉरिजेंटल कार्बोरेटर, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है अच्छे स्टीयरिंग में गुण होते हैं, मानव शक्ति कम लगे, ब्रेक स्टीयरिंग पर प्रभाव ना पड़े, स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर में रहे, उपयुक्त में सभी। और लास्ट है फ्रेंड्स कि लीफ स्प्रिंग आई होल में लगते हैं, रबर बूस,
ब्रॉन्ज बुश, आयरन बुश या नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही बना पाते हैं ये जो है हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम ज़्यादा मोटिवेट होकर और भी प्रश्न को चाहें कि आप लोग के पास जो है शेयर करें, और आप लोग और हर तरीका से जो है हम लोग एग्ज़ाम को पूरे तैयारी कर लेंगे फ्रेंड, ताकि जो है एक भी प्रश्न ना छूटे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे फ्रेंड्स। इसके अलावा बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलती है मैं शेयर कर ही देता हूँ फ्रेंड्स, तो आप हम पे ट्रस्ट करें। और जो है मैं स्टूडेंट को कभी डार्कनेस में नहीं डालता फ्रेंड्स, क्योंकि स्टूडेंट मैं भी हूँ, इसलिए थोड़ा ही सही लेकिन सही बताऊंगा, जो कि आप लोग क्वालिफाई तक जो है पहुंच जाए, आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो जैसे मैं चल रहा हूं फ्रेंड्स, जैसे मैं, आप लोग भी बताइए, अपना सुझाव दीजिए, ताकि मैं और भी अगर मैं कोई भूल हो तो मैं उसे सुधार सकूं। तो आप लोग इसको पूरा बनाकर हमें कमेंट कीजिए और बताइए कितना नंबर लाते हैं, उसके बाद हम आप लोग को शुक्र को जो है नाम घोषित करूँगा और ये जो है प्रश्न को सोल्यूशन करूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इसके अलावा अलग टॉपिक का भी, प्रथम जो अलग टॉपिक है जैसे समान ज्ञान, समान विज्ञान अध्ययन इत्यादि का भी मैं टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, मोस्ट जो एमसीक्यू है, और मैं एक अलग डेट में उसे करवाऊंगा, एक अलग दिन से करवाऊंगा, जो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर तैयार रहें फ्रेंड्स टेस्ट देने के लिए। अब जो है बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पति को जो है टेस्ट होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है देने के लिए तैयार हो। और अलग टॉपिक के लिए, समान अध्ययन के जनरल टॉपिक के लिए एक दिन निर्धारित किया जाएगा, उस दिन को भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है जनरल टॉपिक के लिए जो है टेस्ट सीरीज होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।